हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली एक्सरसाइज 9.4 के बारे में, जो कि क्लास 8 की एनसीईआरटी का सोल्यूशन होने वाला है। और इसके अंदर हम बात करेंगे बायनोमियल्स के बारे में। और बायनोमियल्स के बारे में इस चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने डिस्कस कर दिया था और बता दिया था आपको कि मोनोमियल क्या होते हैं, बायनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने डिग्रीज के बारे में भी समझा था, पूरे कॉन्सेप्ट्स हमने समझे थे। अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे हैं तो 9.1 में जब हमने स्टार्टिंग करी है वो वीडियो आप जाके देखिए, पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन हम देखने वाले हैं वो भी हमारे बायनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने बायनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया जा रहा है 2x + 5 एंड 4x - 3, अब इसका हमें करना है मल्टीप्लीकेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिए जा रहे हैं टोटल 6 क्वेश्चंस, तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन दिया गया है और मैं इस सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी चीजें हमें मल्टीप्लाई करने को दी गई है उसको सबसे पहले हमने ब्रैकेट में लिख लिया, 4x + 3 चाहे वो 2x + 5 हो। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, आप किसी भी नंबर को ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा 2x, अब 2x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस 2x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे कंप्लीट इस ब्रैकेट में। इस 2x का हमने क्या किया है मल्टीप्लीकेशन, किसमें, इस कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर हमने मल्टीप्लीकेशन किया। हमारे पास ब्रैकेट क्या था, 4x + 3, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4x - 3 + 3, नहीं बल्कि -3। अब हमारे पास जो ब्रैकेट में दिया हुआ था -5, हम यहाँ पे लिख देंगे -5, और इसी माइनस के 5 में एक बार और हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें कि हम नंबर लिखने वाले हैं 4x - 3। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, जैसे हम इसके पहले वाले एक्सरसाइज के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, 2x में जब हम 4x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8, 4 2 8, और x में x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 4 8 square। इसी तरीके से अगर हम 2 में 3 क्या करेंगे तो हो जाएगा -6x। इसी तरीके से 5 में 4 का करेंगे तो -5 4 20, और यहाँ पे हो जाएगा x, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, और प्लस होने के बाद 5 3 15, 5 3 हमारे पास आएगा 15। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आएगा एट लास्ट, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ है माइनस माइनस का 4, और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था माइनस का 4 और प्लस का 4x, और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है ये हमारे पास दिया हुआ है प्लस का 5। यहाँ पे प्लस का 5 था, माइनस का 5 नहीं था, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 20 आएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो 8x² हमारे पास तो है पहले से ही, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8x². अब 20x यहाँ पे दिया हुआ है और 6x यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 20x में से 6x को माइनस करेंगे, यानी कि 20 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 14x। अब हमें देखना है यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस, तो यहाँ पे प्लस वाले नंबर्स का साइन बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 14x। अगर यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे साइन माइनस का था, क्योंकि उस कंडीशन में 20 हमारा बड़ा होता, प्लस का आ जाएगा 15, और यही हमारा होने वाला है आंसर, जो कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे 8x² प्लस का 14x और माइनस का 15। इसी तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 हो चाहे क्वेश्चन नंबर 2 हो, कम्प्लीटली इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही कंडीशन होने वाली है। वाई का हमने 3y के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, फिर 8 का हमने मल्टीप्लीकेशन किया 3 + y के साथ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेम यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन किया और हमारे पास आंसर आया 3y² माइनस का 28y और प्लस का 12। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने वही किया है सेम, इसका एक बार मल्टीप्लीकेशन किया इस पूरे ब्रैकेट में और इस वाले नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन किया कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर, तो इसका जो आंसर आएगा 6.l² और यहाँ पे 0.025m². इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास देख पा रहे हैं यहाँ पे कि a + 3 भी दिया हुआ है और यहाँ भी x + 5 दिया हुआ है। जब a + 3 भी दिया हुआ है तो यहाँ पे a के साथ हम x + 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसी तरीके से 3b के साथ हम x + 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा a में जब हम x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ax आएगा, a में 5 का करेंगे 5a। इसी तरीके से सबका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो हमारे पास एट लास्ट आंसर आने वाला है ax + 5y प्लस का 3bx और प्लस 15b। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास नंबर दिए जा रहे हैं और इसका एक बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस 2pq का मल्टीप्लीकेशन करेंगे कंप्लीट इसमें, और एक बार प्लस का जो माइनस का 3q² दिया जा रहा है, प्लस का 3q² है, प्लस का 3q² का मल्टीप्लीकेशन करेंगे कंप्लीट इसमें।
और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6p² q² प्लस 5, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्लस का 5pq माइनस का 6q की पावर 4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी है, जब हम 3/4a² का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जब हम इस वाले नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस कंप्लीट वाले ब्रैकेट के अंदर, तो सबसे पहले तो हमें इस 4 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा ताकि इन सबको सॉल्व कर पाएं। इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कम्प्लीटली जो हमारे पास सिचुएशंस आएगी कुछ इस तरीके की सिचुएशंस आने वाली है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं 4a² माइनस का 8/3b², यहाँ पे 3b² में 4a² का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और कम्प्लीटली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3a की पावर 4 प्लस 10a² b² माइनस 8b की पावर 4। बहुत सिंपल है, केवल आपको देखना है कहाँ पे क्रॉस करें, जैसे यहाँ से तो 4 से 4 कैंसिल हो जा रहा है तो 3a की पावर 4 होगा एमए का। यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे आप 3 से 3 कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे आप 3 में 3 का कैंसिल हो रहा है और यहाँ भी 4 2 8 हो जाएगा। जब 4 2 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2a², इसी तरीके से यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। जब पूरा सॉल्व करेंगे हम कैंसिल आउट करने के बाद तो हमारे पास आंसर 3a की पावर 4 प्लस 10a² b² माइनस का 8b की पावर 4 आंसर आने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको एक चीज दिख रही होगी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किया प्रोडक्ट फाइंड आउट, सेम उसी तरीके से यहाँ भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। 5 - 2x दिया हुआ है, एक बार 5 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3+x का, एक बार 2x में मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3+x का, और इसको करने के बाद यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है 15 + 5x - 6x माइनस का 2x², तो यहाँ पे आ जाएगा 15 - x माइनस का 2x². इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इसके अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 7x² 48xy और माइनस का 7y². करना कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पे देखिए, बस यहाँ पे एक बार x को हमने लिखा और x का मल्टीप्लीकेशन कर दिया 7x - y, और इसी तरीके से जब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्लस का 7y, तो इसको भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग 7x + y से, और इसका हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया 7x का 7x² x में माइनस xy हो जाएगा, ये प्लस का 7 7 49xy और फिर यहाँ पे 7y², जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से सेम हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फोर में भी हम यही करने वाले हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे इनके साथ तो हमारे पास आंसर आएगा ये 2p की पावर 3 प्लस p² q माइनस का 2p² माइनस का q। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें करना है सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है, बस अगर एक बार हम समझ जाते हैं कि सिंप्लीफाई करना कैसे है तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाते हैं। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने वाले हैं, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ x² माइनस का 5 और x + 5 और प्लस का 25 दिया हुआ। सबसे पहले तो इस इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करने की कंडीशन आपको भी पता है कि x² का हम एक बार मल्टीप्लीकेशन करते हैं x + 5, और सेम -5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम x + 5 में। जब हम इतना करने के बाद इतना कर लेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 25। x² में x का करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 5x² 5 में x² का करेंगे 5x² माइनस में यहाँ पे प्लस का करेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 5 में x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5x 5 5 = 25 तो हो जाएगा माइनस का 25 और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास प्लस का 25 है ही, 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एट लास्ट बचेगा क्या, x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 5x, तो ये हमारे पास आ चुका है आंसर। आप देख पा रहे होंगे x³ 5x² और माइनस का 5x। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। इसी तरीके से हम देख लेते हैं इनके कंप्लीट सॉल्यूशंस के बारे में। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हम सेम उसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया था। मल्टीप्लीकेशन करना है और प्लस माइनस करना है, उसके बाद देखेंगे कि आंसर हमारे पास ये आ चुका है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी करना है हमें, मल्टीप्लीकेशन करना है और यहाँ पे जब हम देखेंगे आंसर तो t3 - st
प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि यहाँ पे सेम उसी तरीके से उसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पर यहाँ पे हमें करना होगा मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा टी की पावर थ्री माइनस एस टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस की पावर क्यू। इसी तरीके से बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, अगर मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर भी हमें सेम वही चीजें करनी है जैसा कि हमने पहले भी किया। ए प्लस बी का सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना होगा सी माइनस डी में, उसी तरीके से ए माइनस बी का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे सी प्लस डी में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जब लास्ट में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कम्प्लीटली हमारे पास जो आंसर आएगा केवल 4ac आने वाला है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फाइव की, क्वेश्चन नंबर फाइव में भी सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन को प्लस करके देखना है, जिसमें कि हमें सिंप्लीफाई करना था। सबसे पहले एक्स प्लस वाई में टू एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर एक्स प्लस टू वाई में एक्स माइनस वाई का करेंगे। जब इसको करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस का y स्क्वायर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि x में हमने मल्टीप्लीकेशन किया है 2x प्लस y का, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने देखा कि जब हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती है कि अगर जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है x, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2x प्लस का y दिया हुआ है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि x में जब 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसी तरीके से x में जब हम y का करेंगे तो प्लस का आ जाएगा एक्स वाई हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई किस तरीके से आ रहा है। सेम इसी तरीके से सारे ही ब्रैकेट्स के अंदर इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इस कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर, और जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो x की पावर q प्लस y की पावर q बार। आपको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला भी होता है ए क्यू, यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देता हूँ, प्लस बी क्यू या एक्स क्यू प्लस बी क्यू, आप कुछ भी बोलो इसका फॉर्मूला ही होता है x प्लस y, और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट के अंदर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये एक्स क्यू और वाई क्यू का यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। जैसा कि अभी इस फॉर्मूले को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर वही आ रहा है, एट लास्ट जो आंसर आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स की पावर क्यू प्लस वाई की पावर क्यू। इसी तरीके से बात करूँ अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेवन की, क्वेश्चन नंबर सेवन में सेम वही प्रोसेस है, बट पॉइंट में बस केवल हमारे पास पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इस कम्प्लीट, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 2.25 x स्क्वायर माइनस का 16 y स्क्वायर। इसी तरीके से बात करूँ क्वेश्चन नंबर एट की, क्वेश्चन नंबर अगर एट की बात की जाए तो यहाँ पे भी एक्स ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी, इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसी तरीके से माइनस का सी स्क्वायर और 2ab इसका आंसर आने वाला है। कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसी तरीके से आएगा। आपको भी पता है कि जब हम a में a का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर आता है, फिर ab आएगा, फिर माइनस का ac, फिर प्लस का ab, फिर इसी तरीके से सारे के सारे आंसर्स आते चले जाएंगे। आज जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी माय डियर फ्रेंड, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 9.4 के बारे में, जो कि क्लास 8 की एनसीईआरटी का सोल्यूशन था। तो उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सोल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो के लेक्चर पसंद आता है तो आप भी उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सोल्यूशंस देख सकें और अपने डाउट क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।